नमस्कार, मैं हुस्ना हाशमी, आप देख रहे हैं बुलंदिया टीवी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं पीपल वाली गली मोतिया खान में आई हुई हूँ। यहाँ पर इमरान इस्माइल द्वारा खाना वितरण करने का प्रोग्राम जारी है और आइए हम यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ पे जो आम जनता खड़ी है उनसे पूछते हैं कि आप बताइए, जो इमरान इस्माइल द्वारा जो ये खाना वितरण का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और जगह जगह चल रहा है, तो उसमें आप लोगों का क्या योगदान है और किस तरीके से वितरण हो रहा है? देखिए, हम तो सेवा के लिए लगे हुए, लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। जो आदमी इस टाइम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो आदमी, उनको इस टाइम दवाई तो चाहिए, उसके साथ में उन्हें खाना भी चाहिए। अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो आदमी भूख से मर जाएगा, तो खाना भी जरूरी आदमी के लिए है। ये दवाई ऑक्सीजन तो मिली रही उन्हें सेंटर गवर्नमेंट से, उनके लिए खाना भी मुहैया कराना जरूरी। हमारे मोतियाखान क्षेत्र के अंदर इमरान इस्माइल जी द्वारा एक महीने से लगातार ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है, सेवा का काम चल रहा है जी। गरीब आदमियों को इधर खाना दिया जा रहा है और दो वक्त की जो भी दाल सब्जी रोटी होती है सुबह शाम, यहाँ पर पूरा एक महीने से बंटवाया जा रहा है जी, ये अपने इमरान इस्माइल जी द्वारा। तो हम यही चाहते हैं कि अच्छा यहाँ पर सेवा है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया गली पीपल वाली मोतिया खान के अंदर, और हम चाहते हैं कि भगवान इनको ऐसे ही काम करते रहे। हाँ जी बिल्कुल, और अपने काम में तरक्की दें और इनका ओहदा बढ़ाएं। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद इमरान इस्माइल है, मैं पूर्व निगम पार्षद, पूर्व चेयरमैन हूँ सदर दागन जोन से, कुरेश नगर से। पूर्व ये अपनी ओर से है लोगों के लिए, ये अपनी ओर से है लोगों के लिए, जो नीडफुल लोग हैं उन तक पहुंच जाए। कितना भोजन वितरण किया गया? 500-600 लोगों का सुबह, 500-600 लोगों का शाम को, दो वक्त लगता है। तो पैकेज ही करा रहे हैं या घर के लिए दे रहे हैं या यहाँ पे भी खाना खाए? जो लोग यहाँ खाना चाहते हैं यहाँ खा लें, पैक करके देते हैं अपने घर पे। तो इसमें हित नहीं है कि लोगों तक पहुँच जाए, उसकी दुआ नहीं है बस। पब्लिक परेशान है, अगर आप लोग खाना मुहैया करा रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। तो यही है कि लोगों को खाना मिल जाए, भूखे ना रहे लोग, जिनको जरूरत है उन तक पहुँचने। तो सारे सहयोगी हैं जितने खड़े हैं, ये मलिक साहब खड़े हैं, ठाकुर साहब, यशपाल भाई, ग्रंथवीर, ये संजय राठी, ये इस तरह के लोग हैं जो श्रमदान दे रहे हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। थैंक यू।